दोस्तों, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने वर्क एंड प्ले ऐसे के हिंदी समरी को डिस्कस किया था और आज हम उसी ऐसे के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्क एंड प्ले, यानी कि काम और खेल के बीच में क्या अंतर है। इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, इट इज़ जनरली सीन दैट वन मैंस प्रोफेशन और वर्क इज ऑफन अनदर मैंस रिक्रिएशन और प्ले, यानी कि आमतौर पर देखा जाता है कि जो एक व्यक्ति का प्रोफेशन होता है, यानी कि जो व्यवसाय होता है और जो काम होता है, वह दूसरे व्यक्ति के लिए मनोरंजन और खेल बन जाता है। जैसे कि द मर्चेंट एट द वीकेंड बिकम्स अ हंटर, यानी कि जो वीकेंड पर, यानी कि सप्ताह के अंत में जो मर्चेंट होता है, यानी कि जो व्यापारी होता है, वह एक हंटर बन जाता है। एंड द क्लर्क गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ गार्डनर, यानी कि छुट्टियों के समय वीकेंड पर जो क्लर्क होता है, वो भी, उसे भी एक मौका मिलता है गार्डनर बनने का, यानी कि वो भी गार्डनर बन जाता है वीकेंड पर। सो प्ले इज ओनली अ चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन। सो जो प्ले है, यानी जो खेल है, वह ऑक्यूपेशन का क्या है, परिवर्तन है, यानी व्यवसाय का परिवर्तन है। और वी पास फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एक्टिविटी टू अनदर, यानी कि एक एक्टिविटी के फॉर्म से दूसरों में हम पास होते हैं। एंड वन वी कॉल वर्क फॉर दैट वी रिसीव पेमेंट, यानी कि जिसके लिए हमें पेमेंट यानी धन मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, काम कहते हैं। एंड द अदर वी कॉल प्ले फॉर दैट वी गेट नो पे एंड पे ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी कि जिसके लिए हमें कोई भी पेमेंट यानी कोई धन नहीं मिलता, उसे हम प्ले बोलते हैं, खेल बोलते हैं, और खेल में हमें चंदा भी देना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंटरटेनमेंट एंड पैसिव एंटरटेनमेंट्स, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव एंटरटेनमेंट के बीच में क्या अंतर है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, जो पैसिव एंटरटेनमेंट्स है दोस्तों, पैसिव एंटरटेनमेंट लीड्स टू डिक्लाइन इन हेल्थ, यानी कि जो पैसिव एंटरटेनमेंट है वो हमारी जो हेल्थ है उसे बहुत ख़राब करता है। एंड इट्स क्रिएट्स मैनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये बहुत सी मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी पैदा करता है। एंड पैसिव एंटरटेनमेंट हैज़ इंक्रीज इन द प्रेजेंट एज, यानी कि वर्तमान समय में जो पैसिव एंटरटेनमेंट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, यानी बढ़ गया है। एंड इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन वॉचिंग फुटबॉल मैचेस, थिएटर गोइंग एंड राइडिंग अ मोटर कार, यानी कि फुटबॉल मैच खेलना, थिएटर में जाना और मोटर कार की सवारी करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन, बहुत आम हो गई है। एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एंटरटेनमेंट्स, और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, फुटबॉल मैचेस खेलना, थिएटर में जाना और मोटर कार चलाना, ये सारे पैसिव एंटरटेनमेंट्स के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें एक्टिव एंटरटेनमेंट के बारे में, तो उसमें आप लिखेंगे, इन एक्टिव एंटरटेनमेंट वी पार्टिसिपेट एंड रिएक्ट, यानी कि एक्टिव प्ले में हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी चीज़ में और रिएक्ट करते हैं। बट इट इज़ नॉट सो इन पैसिव एंटरटेनमेंट, लेकिन ऐसा जो पैसिव एंटरटेनमेंट में नहीं होता है। एक्टिव एंटरटेनमेंट इज़ अ नेचुरल यूज़ ऑफ लेजर, यानी कि जो एक्टिव एंटरटेनमेंट है वो नेचुरल यूज़ है लेज़र का, यानी कि प्राकृतिक उपयोग है लेज़र यानी अवकाश का। इट मीन्स लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग द आर्ट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है एक्टिव एंटरटेनमेंट का, कि कला को सीखना और अभ्यास करना। एक्टिव एंटरटेनमेंट्स कैन बी यूजफुल टू बॉडी एंड सोल, यानी कि एक्टिव एंटरटेनमेंट हमारे बॉडी यानी कि शरीर और हमारे आत्मा के लिए क्या हो सकता है, यूजफुल यानी उपयोगी हो सकता है। ऑल द सेंसेस आर इंगेज इन एक्टिव एंटरटेनमेंट्स, यानी कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, वो एक्टिव एंटरटेनमेंट में इंगेज रहती हैं। एंड इन एक्टिव एंटरटेनमेंट देयर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि एक्टिव एंटरटेनमेंट में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि सक्रिय भागीदारी होती है। द पर्सन हु टेक्स पार्ट इन द प्ले एक्टिवली एंजॉयज
एक्टिवली, यानी कि जो व्यक्ति एक्टिवली किसी भी नाटक में पार्टिसिपेट करता है वह एक्टिवली एंजॉय भी करता है, मतलब उसका आनंद भी लेता है। इन एक्टिव एंटरटेनमेंट वी प्ले फुटबॉल मैचेस, वी एक्ट इन अ प्ले एंड वी वॉक, यानी कि एक्टिव एंटरटेनमेंट में हम फुटबॉल मैच खेलते हैं और हम किसी भी प्ले यानी नाटक में अभिनय करते हैं और हम चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज मेंट बाय लेजर इन द प्रेजेंट टाइम, या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेजर, यानी कि वर्तमान समय में जो लेजर का जो मतलब है वो क्या है। इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, लेजर नाउ डेज डज नॉट मीन थिंकिंग ऑफ सिक्योरिंग टाइम और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, यानी कि आज के सब आज नाउ डेज मैंने आजकल जो लेजर का मतलब है वो टाइम को बचाने से नहीं है और एक कुछ करने के अवसर से नहीं है। टाइम इज वेरी हैवी ऑन आर हैड, जो टाइम है यानी समय जो है हमारे हाथों पे बहुत भारी है। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम बट डू नॉट नो वॉट टू डू विद दिस, यानी कि हमारे पास बहुत टाइम है लेकिन हमको नहीं पता कि हमें कैसे उसे यूटिलाइज करना है। एंड लेजर इज अ वैक्यूम, यानी कि जो लेजर है वो एक वैक्यूम है। एंड इट इज अ डेस्परेट स्टेट ऑफ वैकेंसी, यानी कि यह एक रिक्ति की क्या है, हताश स्थिति है, यानी कि डेस्परेट स्टेट ऑफ वैकेंसी है। एंड इट इज अ वैकेंसी ऑफ माइंड एंड बॉडी, यानी माइंड यानी मन और बॉडी यानी शरीर। तो यह एक मन और शरीर की क्या है, वैकेंसी यानी एक रिक्तता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, समराइज वर्क एंड प्ले इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि वर्क एंड प्ले जो ऐसे है उसे हमें अपने शब्दों में समराइज करना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपको पुरानी वीडियो में मिल जाएगा और उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा आपको उसका लिंक, वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। इसका जो समरी है पूरी हिंदी में हमने वहाँ पर डिस्कस करी, उसको देख लीजिए और फिर उसको अपने शब्दों में ट्रांसलेट करके पेपर में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।